सो अगर आप लोग भी है MIUI 13 या फिर MIUI 12 यूज़ कर रहे हो, और गाइस आप लोग को भी जो कि है बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम आपके फ़ोन में जो कि ज़्यादा देखने को मिल रही है, आपका बैटरी बिल्कुल भी नहीं टिक रहा है और बहुत ही जल्दी आपका जो बैटरी परसेंटेज है वो गिर रहा है, ठीक है। किसी किसी का तो गाइस बहुत ही जल्दी जो कि है 50 पे आता है, फिर 30 पे आता है, फिर अचानक से शट डाउन हो जाता है। तो गाइस इस वीडियो में जो कि आज आपको जो कि बिल्कुल मैं बारीकी से समझाने वाला हूँ कि बैटरी ड्रेन क्यों होता है, इस किस किस ऐप्स के वजह से होता है, और ये जो कि है आप इसको कैसे रोक सकते हो, और ये सारा कुछ जो कि आपको आपका मोबाइल ही बताता है लेकिन आपको इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं नॉलेज होता है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको सारा कुछ जो कि एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में, और उसके बाद जो कि है कुछ सेटिंग्स बताऊँगा, ठीक है। तो गाइस अगर आपने वो सेटिंग्स कर ली, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है, जब आप नया फ़ोन लेते हो तो आपको कर लेना चाहिए लेकिन आप लोग नहीं करते हो, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोग वो सेटिंग कर लोगे तो होगा ये कि आपको जो कि है आपका जो फ़ोन है वो लाइफ मतलब लॉन्ग टाइम तक आपका जो कि बैटरी बैकअप ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी सेटिंग्स है। तो गाइस मैं जो कि यहाँ पे MIUI 13 पे करके दिखा रहा हूँ, तो MIUI 12 में अगर सेम सेटिंग होगी तो गाइस आप लोग कर लेना, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो कि ये बैटरी ड्रेन क्या क्यों हो रहा है, कौन कौन सी एप्स की वजह से हो रहा है, ठीक है, आप कौन कौन सी गलतियां कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको उसको दिखाने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली बैटरी में प्रॉब्लम है तो हम बैटरी वाले ऑप्शन में ही जाएंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जो कि हम यहाँ पर बैटरी वाले ऑप्शन में आए, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो हमारी बैटरी परसेंटेज शो हो रही है, और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे देखो आपका मोबाइल खुद आपको बताएगा कि आपके मोबाइल में जो कि क्या चीज़ है जो कि आपकी बैटरी ज़्यादा खपत कर रही है, ठीक है, जल्दी जल्दी आपकी बैटरी को चूस रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि फेसबुक जो है 9% मेरी बैटरी खा चुका है, ठीक है, तो फेसबुक ने 9% बैटरी खाई, और स्क्रीन सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप लोग देखो कि 45% स्क्रीन, ठीक है। आप लोगों के यहाँ पे कोई और भी ऐप्स हो सकते हैं, ज़्यादातर लोगों की स्क्रीन ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे सबसे टॉप पे स्क्रीन आ रहा है, मतलब जो कि स्क्रीन मेरी बैटरी ज़्यादा खा रहा है। तो स्क्रीन का मतलब क्या है, इसको मैं कैसे बंद कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊँगा कि आप इसको कैसे जो कि कंट्रोल कर सकते हो जो कि आपकी बैटरी ना खाए। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे जब मैं उसके अंदर गया तो बैटरी यूज बाय द डिस्प्ले एंड बैक लाइट, ठीक है। तो बैक लाइट क्या होता है, ये जो बैक लाइट है, ठीक है, ये जो आपकी ब्राइटनेस होती है, ठीक है, ये वाली, इसको आप किस कंट्रोल में चला रहे हो, इसको अगर आप इतने पे चला रहे हो, ठीक है, तो आपकी बैटरी कम मतलब कम खर्च होगी, ठीक है। अगर आप इसको जो कि है ये देखो, अगर आप इसको इतने पे चलाओगे, ठीक है, बहुत से लोग यूज़ करते हैं ना, ठीक है, इतने पे यूज़ करोगे तो भाई आपकी यहाँ पे जो 45% का, यहाँ पे आपका जो कि 60-70% शो हो जाएगा, ठीक है। तो गैस आपको जो कि है किस तरीके से जिसको यूज़ करना है, आपको इतने पे यूज़ करना है, ठीक है, इतने पे यूज़ करना है, आपको इतने पे यूज़ नहीं करना, ठीक है। जितना आप इसको कम रखोगे ना गैस, उतनी आपकी बैटरी कम उड़ेगी, ठीक है, उतनी आपकी बैटरी कम जो कि है खपत होगी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया स्क्रीन का, ठीक है। तो अगर आप जो कि अपना ब्राइटनेस कम करके अगर फ़ोन यूज़ करोगे, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ब्राइटनेस देनी चाहिए वहीं पे अगर आप यूज़ करोगे, और फालतू आप स्क्रीन मतलब ब्राइटनेस यूज़ नहीं करोगे, तो गैस आपकी जो कि है ये जो है आपको ये बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आ गया फेसबुक, तो गैस आप लोग सोचोगे यार फेसबुक को हम डिलीट नहीं करेंगे, फेसबुक को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो गैस फेसबुक भी आपकी बैटरी खा रहा है सिंपली। तो गैस क्या करो, फेसबुक को डिलीट करके फेसबुक लाइट जो उसका छोटा वर्जन होता है वो डाउनलोड कर लो, या फिर आप जाके वेबसाइट पे जाके फेसबुक को यूज़ कर लो, ठीक है। तो गैस आप जो कि इस तरीके से बैटरी को बचा सकते हैं, ठीक है। बाकी आ गया क्रोम, ठीक है, क्रोम भी मेरे जो कि चौथे या तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो गैस क्रोम का यहाँ पे क्या रोल आया हो रहा है, क्रोम आपको जो कि है फालतू के नोटिफिकेशंस भेज रहा है, ठीक है। फालतू के नोटिफिकेशंस क्या, आप जो कि किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाते हो और गैस वहाँ पे आप गलती से किसी सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कर देते हो, तो होता यह है कि आपको फालतू के वो आपको नोटिफिकेशन में मैसेज आने लग जाते हैं, और गैस उससे भी आपकी बैटरी ख़राब हो रही है, ठीक है। और आपको जो कि यहाँ पे देख सकते हो यूट्यूब है, बाकी ये लोग नॉर्मल मतलब कि जो कि है मेरी बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा बैटरी खा रही थी स्क्रीन की, ठीक है। तो गैस यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे ऑरेंज कलर का जो कि है ड्रेनिंग बैटरी, समझ रहे हो, मतलब कि यहाँ पे आप लोग देखोगे तो मेरी जो कि बैटरी ड्रेन नहीं हुई है आज को, ठीक है। वरना यहाँ पे क्या होता है, ये जो नीले वाले ग्राफ पे ना, यहाँ पे ऑरेंज कलर का एक लाइन सा भी मेरे को दिखाई देता, ठीक है। तो गैस मेरी जो यहाँ पे आज बैटरी ड्रेन नहीं हुई है,
ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब आप अपनी बैटरी सेवर में आओगे ना गाइस, तो आपको यहाँ पे शो होगा फिक्स टू बैटरीज यूजेस, ठीक है। तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है अगर आपको शो हो रहा है तो यहाँ पे आप अगर आप लोग देखोगे कि लिखा हुआ है एडजस्ट ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो गाइज मैंने आपको ब्राइटनेस के बारे में बता दिया, ठीक है। तो कितना कम बेस करके रखना है अभी मैंने आपको बताया था यहाँ से, तो गाइज उससे भी आपकी जो कि बैटरी कम ड्रेन होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखो लिखा हुआ है क्लोज ऐप्स डेट बैटरी ड्रेन वन ऐप डेट बैटरी ड्रेन। तो गाइज ऐसी कौन सी ऐप है जो कि मतलब हमारी बैटरी को ड्रेन करी थी, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ ईमो। भाई ईमो तो मैं यूज ही नहीं करता हूँ भाई, ईमो मेरी बैटरी कैसे खा रहा है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जो कि ये ईमो मैं यूज नहीं करता हूँ, मेरी ईमो मेरी बैटरी कैसे यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो गाइज आप लोग क्या करोगे, अगर आप लोग तो ईमो यूज़ करते हो, ठीक है, तो गाइज आप लोग तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब बस उसका जो कि है आप नोटिफिकेशन बंद करके रखो, ठीक है। अगर आप लोग ईमो को यूज़ नहीं करते तो उसको डिलीट मार दो भाई, जो आपकी बैटरी जो कि ड्रेन कर रहा है और आप उसको ऐप को यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसको क्यों फ़ोन में रखा, तो उसको डिलीट मार दो, ठीक है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे जो कि यहाँ पे इसको अभी डिलीट नहीं मारूंगा, बस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ टर्न ऑन डार्क मोड, ठीक है। तो गाइज़ आप लोग जो कि ये टर्न ऑन डार्क मोड, ठीक है, डार्क मोड अगर ऑन कर लोगे तो आपके फ़ोन की जो आपका जो वाइट होता है सारा कुछ ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखो ये ब्लैक हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, मेरी बैटरी जो कि है कम कंज्यूम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से मेरा बैटरी ड्रेन हो रहा है, ठीक है। ये लोग इनको हमको जो कि ये बता रहे हैं, ठीक है, कि आपकी बैटरी क्यों ड्रेन हो रही है इन ऑप्शंस की वजह से, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे जो कि है मैं क्या करूँगा, देखो लिखा हुआ है टर्न लोअर स्क्रीन रिफ्रेश रेट 260 हर्ट्ज़। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आपकी स्क्रीन है ना इतनी स्मूथ चल रही है ना 60 हर्ट्ज़ पे, इसको आप कम कर दो, ठीक है, इसको आप बंद कर दो। तो गाइज़ ये कैसे होगा ये भी मैं अभी आपको बंद करना बताऊंगा, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे चूँकि ऑप्शन में सारे समझा देता हूँ, ठीक है। क्लियर मेमोरी 10 मिनट्स आफ्टर लॉकिंग डेट, जब आप अपने फ़ोन को ऐसे लॉक करते हो तो क्या करेगा यहाँ पे जो कि आपकी मेमोरी क्लियर नहीं होती है, ठीक है। वो कैसे आपकी मेमोरी को क्लियर करना वो भी मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ पे लिखा हुआ लॉक डिवाइस आफ्टर 15 सेकेंड ऑफ इनएक्टिविटी, मतलब कि आपका जो कि जब आप फ़ोन को ऐसे छोड़ देते हो तो ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन कितने मिनट बाद बंद होती है, अगर आपने आधा घंटा 5 मिनट लगा के रखा है तो गैस आपका जो कि बैटरी बहुत ही जल्दी कंज्यूम होने वाला है। आप उसकी जो कि टाइमिंग घट करके 15 सेकेंड कर दो, तो समझ गए, मतलब आपने फ़ोन को ऐसे चालू छोड़ दिए, ठीक है। तो क्या होगा, अपनी ऑटोमेटिक जो स्क्रीन ऑफ हो जाती है वो 15 सेकेंड में हो जाएगी, तो गाइज़ इससे भी आपका बैटरी जो है कम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे जो कि है अगर मैं जो कि है इन सब को करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो कि है इन सब को जो कि है मेरे को अनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को जो कि है डार्क मोड भी अनेबल करना पड़ेगा, अब रिफ्रेश रेट, ठीक है, रिफ्रेश रेट भी अब मेरा लो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लियर मेमोरी 10 मिनट आफ्टर लॉकिंग डिवाइस, ठीक है। तो गाइज ये मेरा आप जो की है, अब क्या क्या होगा जब मैं स्क्रीन को ऐसे टर्न ऑफ कर दूंगा लॉक स्क्रीन, उसके बाद क्या होगा 10-10 मिनट के बाद जो कि मेरी मेमोरी क्लियर होती रहेगी बैकग्राउंड में, ठीक है। तो गाइज उससे भी मेरी बैटरी बचेगी। और यहाँ पे जो कि मैं इसको 15 सेकेंड, अब मेरा जो कि यहाँ पे 15 सेकेंड जो कि है मेरी स्क्रीन की लाइट जलेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक जो कि है बंद हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज सिंपली आप लोग देख सकते हो, अब मैं यहाँ पे देखो क्या मैंने कितने इसको मिनट ऐड कर दिए अपने फ़ोन में। अब मेरा जो कि है मैंने 3 घंटे, मतलब 3 घंटे मैंने अपनी जो कि है लाइफ जो कि है अपनी बैटरी में ऐड कर ली है, ठीक है। तो गाइस कितना अच्छा जो कि ये हो गया, ठीक है। तो गाइस सिंपली देख सकते हो यहाँ पर जो कि 6 मैंने प्रॉब्लम बैटरी इश्यूज सॉल्व कर दिए गाइस। तो अब जो कि है मेरी बैटरी ड्रेन नहीं होगी, ठीक है। तो गाइस वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, बट गाइस मैं आपको जो कि जो जो सेटिंग बताऊँगा आपको वो सब जल्दी जल्दी से कर लेना, ठीक है। तो गाइस फटाफट से मैं आपको वो सेटिंग बताता हूँ, इतनी सेटिंग करने के बाद भी अभी आपको और सेटिंग करनी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद जो कि आपको क्या करना है, सिंक वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। ये रहा अकाउंट एंड सिंक वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। अकाउंट एंड सिंक वाले ऑप्शन में आए और यहाँ पर लिखा हुआ ऑटो सिंक डाटा, सिंपली आपको इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। इसको मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। तो गाइस आपको जो कि इसको भी ऑफ कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये ऑफ करने के बाद मैं आपको और भी सेटिंग्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि लिखा हुआ है फेस लॉक। आप लोग फेस लॉक जो ऐप यूज़ करते हो गाइस, आपको पता है कि वो जब फेस लॉक से ऐप लॉक खुलता है तो गाइस कितना ज़्यादा जो कि वो बैटरी आपका कंज्यूम करता है, ठीक है। वो आपका सेंसर चालू करता है, फिर आपका कैमरा आपको फेस का स्कैन करता है, तो गाइस उससे भी बहुत ही ज़्यादा जो कि बैटरी जो कि कंज्यूम होती है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो कि अपना फेस लॉक भी
क्योंकि ये बंद कर देना है, ठीक है। तो गाइज सिंपली मैं यहाँ पे जो कि अभी कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि गाइज ये जो कि है फ़ोन मेरा नहीं है, ठीक है। तो गाइज आपको भी जो कि यहाँ पे जो कि फेस लॉक को जो कि बंद कर देना है, ठीक है। तो सिंपली अब मैं आपको बताऊँ कि अगली सेटिंग आपको क्या करनी है। तो गाइज आप अगर आप जो कि आप वॉलपेपर ज़्यादा कुछ वाइट कलर का यूज़ कर रहे हो, या फिर लाइव वॉलपेपर यूज़ कर रहे हो, या फिर लाइव थीम वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो गाइज उसको कट करके आपको क्या करना है जो कि है आपको उसको जो कि हटा के सिंपल सा आपको वॉलपेपर लगाना है, ठीक है, अपने फ़ोन में। तो गैस अब मैं आपको जो कि अगली सेटिंग बताता हूँ। तो गैस आपको जो कि ऑलवेज डिस्प्ले जो कि है आपको ऑफ रखना है, ठीक है। तो गैस यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको सर्च करना है ऑलवेज ऑलवेज ऑन ऑलवेज ऑन, ठीक है। तो गैस ऑलवेज आ गया, ठीक है। तो आपको आपको ऐसे सर्च कर लेना ऑलवेज ऑन, जैसे आप सर्च करोगे तो गैस आपके सामने ऐसे जो कि आपको सेटिंग शो होगी। और उसके बाद जो कि अगर आपका यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो कि है ऑन है, तो प्लीज़ गैस इसको जो कि आप ऑफ कर दो, ठीक है। तो क्योंकि ये ऐसा होता है ना, जब आप अपने स्क्रीन को जो कि ऐसे छोड़ दोगे ना, रख दोगे ना, तो क्या होगा, अगर या फिर आप अपने पावर बटन को ऐसे लॉक कर दोगे तो गैस क्या होगा, इस तरीके की जो कि स्क्रीन सेवर ऑटोमेटिक आपके फ़ोन पर चलने लग जाएगी, ठीक है, एनिमेशन वगैरह। तो इससे भी आपकी बैटरी बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम होती है, तो प्लीज़ आप इसको भी बंद करके रखें, ठीक है। बस आपको देखने में अच्छा लगेगा लेकिन आपकी बैटरी बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो गैस मैं आपको अगली सेटिंग बताता हूँ क्या करना है। तो गैस आपको जो कि अपना टर्न एनिमेशन स्केल जो भी होता है आपका एनिमेशन जो, जैसे मान लो आप ऐसे किया तो गैस ये एनिमेशन होके मतलब आप बंद हुआ, ठीक है, ये देखो एनिमेशन होके खुल रहा है। तो गैस आपको इसको बंद करना है। तो इसको बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो कि है अपने अबाउट वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। पहले अबाउट वाले सेक्शन में जाओ, फिर MIUI वर्ज़न आपको दिख रहा होगा, लेकिन हम इसमें नहीं करेंगे, ठीक है, हमारा जो कि सेटिंग बाहर में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा MIUI वर्ज़न फॉर पोको। तो सिंपली आपको इसको 7 से 8 बार टैप करना, ठीक है, टैप करोगे नो नीड योर ऑलरेडी डेवलपर। तो गाइज मेरा जो कि ऑलरेडी डेवलपर मोड खुला हुआ था, लेकिन आपको 7 से 8 बार टैप करोगे तो गाइज आपको जो कि है डेवलपर मोड शो हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये डेवलपर मोड एक चालू हो गया है, तो गाइज हम जो कि उसमें चले जाते हैं। तो गाइज डेवलपर मोड एडिशनल सेटिंग में होगा, ठीक है, एडिशनल सेटिंग में जाके लास्ट में आओगे तो यहाँ पे आपको डेवलपर मोड दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद डेवलपर मोड में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो कि है एनिमेशन स्केल ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एनिमेशन स्केल ढूंढ लेता हूँ, तो सिंपली जो कि है यहाँ पे नीचे कहीं पे होगा, हाँ। तो गाइज आप लोग ये देख सकते हो, यहाँ पे आपको एनिमेशन स्केल जो कि है आपको जो कि 5x पे रखना है, ठीक है। तो इसको भी आपको 5x पे रखना है, ये देख सकते हो 5x पे, मेरा ही 1x पे है, मैं अभी इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ऐसे कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे 1x है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐसे करके 5x पे, तीनों को आपको 5x कर देना है, ठीक है। तो गाइज़ ये तो चलिए मैंने आपको ये सेटिंग बता दी। अब मैं आपको अगली सेटिंग बताता हूँ कि आपको क्या करना है, आपको जो कि स्लीप टाइम डिक्रीज़ करना है। तो गाइज़ वो जो कि है हमने कर लिया, ठीक है, वो हमने जो कि है पहले ही कर लिया, यहाँ पे अपने जो 15 सेकंड वाला जो कि अपने स्क्रीन में लगा दिया है, 15 सेकंड के बाद हमारा जो कि है ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्ले सेटिंग में आप चलते हैं, मैं आपको डिस्प्ले सेटिंग में आपको बताता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो कि डिस्प्ले सेटिंग में आ गया हूँ। डिस्प्ले सेटिंग में आपके आने के बाद, तो ये तो मैंने बता दिया आपको डार्क मोड ऑन कर लेना है। उसके बाद जो कि आपको ब्राइटनेस लेवल ही बता दिया है कितना रखना है कितना नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि है मैं इसको अभी आपको जो कि वीडियो बनाने के लिए मैं इतने पे रखा हूँ, वैसे तो मैं इतने पे यूज करता हूँ, ठीक है, इतने पे यूज करता हूँ, ठीक है। तो गाइस आपको जो कि बहुत ही कम रखना है उसको, जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी आपको डिस्प्ले लाइट रखनी है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे रिफ्रेश रेट, ठीक है, तो रिफ्रेश रेट आपको जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये 120 तक जाता है, ठीक है। तो आपको 120 पे नहीं रखना है, ठीक है, 120 पे नहीं रखना है, आपको 60 पे रखना है, ठीक है। किसी किसी फ़ोन में ये सिस्टम ना भी हो, ठीक है, बट कोई बात नहीं, जिसमें है गाइज वो ऐसे कर लो, आपको 60 पे रखना है, ठीक है, जिससे कि आपकी बैटरी कम कंज्यूम हो, ठीक है। उसके बाद हम जो कि यहाँ से बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद आपको अगली सेटिंग में बताता हूँ आपको जो कि यहाँ पे नियर बाय शो होगा एक सेटिंग। तो नियर बाय मैं ढूंढ लेता हूँ यहाँ पे, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे ऊपर सर्च कर सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पे नियर बाय, ठीक है, नियर नियर बाय, ठीक है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो नियर बाय शेयरिंग आ गया, ठीक है। सिंपली आपको इसको ऐसे ओके करना है, और यहाँ पे आप लोग को जो गाइस देखिए नियर बाय वाला ऑप्शन ढूंढना है, तो ये रहा नियर बाय शेयर, ठीक है, इसको आपको जो कि ऑफ रखना है, ठीक है। ये करता क्या है,
ये नॉर्मली जो कि आपके आसपास के डिवाइसेस को सर्च कर रहता है, सर्च करता रहता है, कोई मतलब कोई करेक्ट तो नहीं होने वाला, मतलब समझ रहे हो। तो गाइस आपको जो कि इसको बंद करना है, ये ऑटोमेटिक जो कि चलता रहता है बैकग्राउंड में, ठीक है। और गाइस यहाँ पे आप लोग जो कि मैं आपको अगली सेटिंग बता दूँ, तो अगली सेटिंग सिंपली आपको जो कि है प्ले स्टोर में करना है, ठीक है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपके जब आप नेट से कनेक्ट होते हो या वाईफाई से कनेक्ट होते हो, तो गाइस होता ये है कि आपका जो कि प्ले स्टोर ऑटोमेटिक जो कि ऐप्स को अपडेट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि आपकी बैटरी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कंज्यूम होने लग जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी बंद करेंगे, ठीक है। तो हम इसकी जो कि प्ले स्टोर की सेटिंग में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सेटिंग में आता हूँ, ठीक है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको देखोगे नेटवर्क प्रेफरेंस, ठीक है। नेटवर्क प्रेफरेंस में आने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो अपडेट ऐप्स, सिंपली अब इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर डू नॉट ऑटो अपडेट्स पे क्लिक करके इसको डन कर देना, ठीक है। बस आपका प्ले स्टोर वाला यहाँ पे काम जो कि है हो गया, ठीक है। और मैं अब आपको जो कि लास्ट सेटिंग में आपको बता देता हूँ कि बहुत से यूज़र्स को यहाँ पे जैसे आप इसको खोलते होंगे तो आपको नोटिफिकेशन भरे हुए आते हैं गाइज, वो आपकी बैटरी जो कि है कंज्यूम करते रहते हैं। तो गाइज आपको जो कि है ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिससे कि आपको जिस ऐप की नोटिफिकेशन आपको चाहिए सिर्फ उसी की आएगी, बाकियों की नहीं आएगी। सिंपली आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेटिंग में जाना है और ऐप्स में आना है। ऐप्स में आने के बाद मैनेज ऐप्स में आना है और यहाँ पे आपको जिन 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 ऐप्स की आपको नोटिफिकेशन को बंद करना है, सिंपली आप उसके ऊपर जा सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मेरे को यूट्यूब के नोटिफिकेशंस बहुत आते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूट्यूब के नोटिफिकेशंस को यहाँ पे सर्च करूँगा, यूट्यूब यूट्यूब, ठीक है। सिंपली इसके ऊपर जाऊँगा, मेरे को इसके जो कि है ऊपर मैसेज बहुत आते हैं नोटिफिकेशन, इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे ऐसे बंद कर दूँगा। तो गाइस क्या होगा, आप जो कि है मेरी जो कि नोटिफिकेशन फालतू को नहीं आएंगे और जो कि है मेरी बैटरी भी बचेगी, ठीक है। तो बस गाइस मेरे को यही आज को बताना था, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बट कोई बात नहीं, आप जो कि ये सारी की सारी सेटिंग्स कर लो और गाइस सेटिंग्स करने के बाद देखना आपका जो कि बैटरी बिल्कुल भी ड्रेन नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।